तो दोस्तों, मेरा नाम नीरज झा है। मैं आज आप लोगों को वी लुकअप फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। कल हमने कैर एंड कोड फंक्शन पे डिस्कस करा था, और आज जो मेरा पिछला क्लास था उसमें हमने कैर और कोड बताया था आपको, और उसके बारे में और डिटेल से मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा। काफ़ी यूजफुल फॉर्मूला है कैर एंड कोर फंक्शन कोड फंक्शन, जो आप वीवीए कोडिंग में भी यूज कर सकते हो। उसका बहुत अच्छा यूज़ वीवीए कोडिंग में भी है। आज मैं आपको वी लुकअप बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे वी लुकअप के बारे में पूछा था कि आप वी लुकअप के बारे में थोड़े अच्छे से डिस्कस करो। तो मैं आपको वी लुकअप कई तरीके से लगाना बताऊँगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं वी लुकअप फंक्शन। ओके, सो दोस्तों, हम वी लुकअप फंक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे किसी कंपनी का एक रॉ डेटा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉई कोड है, लोकेशन, यूनिक नेम है, टीम नेम है, किस टीम के बंदे ने उसे प्रोसेस करा है, देन असाइंड यूनिक टी आई एंड सिटी नेम है। ठीक है, तो हम इस वी लुकअप फंक्शन देख कैसे यूज़ करते हैं। एक तो आप सेम सीट पे भी लगा सकते हो, अनदर सीट पे भी लगा सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया, जो जो फील्ड्स मुझे रिक्वायर्ड होगा वो फील्ड्स हम वी लुकअप फंक्शन के थ्रू यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मुझे एम्प्लॉई कोड डालने पे मुझे क्या चाहिए, बंदे का लोकेशन चाहिए, उसका यूनिक नेम चाहिए, किस टीम से है, ठीक है, और मुझे यूनिक टी आई नेम भी चाहिए, ठीक है, और किस सिटी से है। बस ये इतनी चीज़ चाहिए मुझे। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर वी लुकअप फंक्शन के यूज करेंगे। वी लुक अप देन, अब वी लुकअप फंक्शन देन, जब हम लोग वी लुकअप फंक्शन लगाते हैं तो यहाँ पे जो सिंटेक्स उसका आता है, फर्स्ट क्या आता है, लुकअप वैल्यू। तो हमारा लुकअप वैल्यू क्या होगा, तो लुकअप वैल्यू जब भी हम वी लुकअप लगाए तो कोशिश यही होना चाहिए कि हमारा लुकअप वैल्यू कोई यूनिक कोड होना चाहिए, जिससे हम इजिली डेटा आइडेंटिफाई इजिली डेटा फाइंड कर लें। सो हमारा लुकअप वैल्यू क्या होगा, एम्प्लॉई कोड। तो हमने एम्प्लॉई कोड को लुकअप वैल्यू के लिए रखा है। तो जो हमारा, मैंने यहाँ पे जो ये आई फोर सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मैं एम्प्लॉई कोड जब टाइप करूँगा तो वो उसका लोकेशन फाइंड आउट करके मुझे बता देगा। इसलिए हमने लुकअप रेफरेंस को आई फोर दिया हुआ है। उसके बाद कॉमा, जब आप लुकअप रेफरेंस डाल देते हो तो कॉमा लगाते ही आपका टेबल एरे हाईलाइट होता है। टेबल एरे मीन्स डेटा, जिस डेटा में आपको लगाना है वी लुकअप। या तो आप डेटा ऐसे भी ले सकते हो, या ऊपर से भी ऐसे उठा के आप ले सकते हो। ओके, ऐसे भी ले सकते हो। डेटा सेलेक्ट करने के बाद उसको हम F4 से फ्रीज करेंगे। उसके बाद कॉमा, कॉलम इंडेक्स, कौन सा कॉलम आपको फाइंड आउट करना है। तो हमें लोकेशन फाइंड आउट करना है। लोकेशन कौन से कॉलम है, कॉलम नंबर 2 में, मीन्स पहले कॉलम में एम्प्लॉई कोड है, दूसरे कॉलम में क्या है, लोकेशन। तो हम डालेंगे कॉलम नंबर 2, उसके बाद 0, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। 0 जो हम डालते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, 0 को मतलब किसी जगह पर अगर हम फॉल्स भी लिखते हैं तो भी वो उसको एग्जैक्ट मैच कर लेता है। बट अगर हम ट्रू लिखे या ट्रू लिखेंगे तो वहाँ पे उसको क्या करेगा, उसको वो अप्रॉक्सीमेट मैच करेगा, उसको मतलब कि उसके आसपास की वैल्यू को उठा के वो देगा। इसलिए हमें एग्जैक्ट मैच करना है तो हम 0 डालेंगे। ओके, देन प्रेस एंटर। जब आप फॉर्मूला लगा लोगे तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो एरर वैल्यू में शो करेगा, जैसे हैज़ एन स्लैश एन। उसके बाद हम अगेन दूसरे कॉलम में भी वी लुकअप लगाएंगे, सेम वी लुकअप फंक्शन लगाएंगे हम, वी लुकअप, उसके बाद अगेन I4, एम्प्लॉई कोड इज यूनिक, एम्प्लॉई कोड को यूनिक लेंगे। देन उसके बाद वो कह रहा है टेबल एरे सेलेक्ट करो,
मैंने अपना टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक, तो उसको फ्रीज किया। फ्रीज करने के बाद हमने, मुझे क्या चाहिए, यूनिक नेम चाहिए। यूनिक नेम हमारे कहाँ पे, कॉलम नंबर 3 में है, तो हमने कॉलम नंबर 3 डाल दिया, देन 0 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। ओके दोस्तों ध्यान से देखिए, अगेन मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, फिर से देखिए आप। वी लुकअप, वी लुकअप के बाद i4, इट्स फॉर यूनिक कोड, एम्प्लॉय कोड, मतलब हमें जिस भी वैल्यू से सर्च कराना होगा डेटा, वो डेटा यूनिक होता है, इसलिए हमें पहले उसका रेफरेंस देना होता है, लुकअप रेफरेंस उसी का देना होता है। उसके बाद हम, अब हमें टीम नेम सर्च करना है, टीम नेम कॉलम नंबर 4 में है, तो हम कॉलम नंबर 4 डालेंगे, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच एंड ट्रू एंटर। ओके देन हमें क्या चाहिए, यूनिक नेम TI चाहिए, तो हम अगेन से लुकअप रेफरेंस i4 लेंगे। अगेन से मैं इतनी बार ये क्यों रिपीट कर रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज हो जाए, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को इतनी बार रिपीट किया। उसके बाद हमें TI नेम जो चाहिए वो कॉलम नंबर 6 में है, देन 0। ओके सिटी नेम कॉलम नंबर 7 में है, वी लुकअप सिटी नेम कॉलम नंबर 7 में है। उसके बाद इसको फ्रीज करेंगे और कॉलम नंबर 7 देन 0। ठीक है, जब हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट एम्प्लॉय कोड करते हैं तो ये उसका डिटेल हमें फाइंड आउट हो जाता है, जो भी हमें डिटेल चाहिए वो डिटेल में क्या होता है, फाइंड आउट हो जाता है। दोस्तों यही है इसका यूज़, वी लुकअप फंक्शन का यूज़ यही है कि हमें डेटा को लुकअप करना होता है, हमें डेटा को क्या करना होता है, लुकअप करना होता है हमें डेटा को। ओके जस्ट मिनट, मैं ऑटो फिट कर रहा हूँ डेटा कि थोड़ा और स्पेस हो जाए, आपको समझ में आए कि मैंने क्या किया हुआ है। डेटा मैंने ऑटो फिट कर लिया है, अब देखिए। ओके तो ये तरीका है। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़े, आप एक तो मैंने ये तरीका बताया जो कि मॉडरेट तरीका है, जो कि जनरली सभी लोग यूज़ करते हैं, जनरली सभी पर्सन ये तरीका यूज करते हैं। ओके कई बार मतलब उस फॉर्मूले को हमें कई बार अप्लाई करना होता है। आप ये भी कह सकते थे कि आप सिंपली एक बार फॉर्मूला लगाते फिर उसको कॉपी करके पेस्ट कर देते, जैसे कि मैं अभी करने जा रहा हूँ, आपको दिखाने जा रहा हूँ। फिर से मैं ले रहा हूँ ये फंक्शन, उसको मैंने फ्रीज किया, देन कॉलम नंबर 2 देन 0। और फिर अगर मैं इसको कॉपी करूँ, कॉपी करके मैं अगर यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, एक एक सेल आगे खिसक जा रहा है। जैसे यहाँ पे i5 है रेफरेंस, लुकअप रेफरेंस, तो यहाँ पे j5 हो जा रहा है, यहाँ पे k5 हो जा रहा है, तो ये लुकअप रेफरेंस क्या हो रहा है, एक एक सेल आगे खिसक जा रहा है। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आई को के आगे एक डॉलर लगा लेंगे, आई को हम फ्रीज कर लेंगे। ओके देन कॉपी करके अगर हम पेस्ट करें तो ये नॉर्थ दिल्ली, जस्ट अ मिनट। ओके ओके सही है, क्योंकि हम अब कॉपी करके अगर इसको पेस्ट करेंगे तो सभी में सेम रेफरेंस ले रहा है, बिकॉज़ क्या है कि हमारा रो नंबर सेम है, सॉरी कॉलम नंबर सेम है। तो कॉलम नंबर अपने यूज़ के अकॉर्डिंग आप चेंज करते जाइए, अब कॉलम नंबर क्या चाहिए उस यूज़ के अकॉर्डिंग आप चेंज करते, थोड़ा सा काम आप यहाँ से अपना आसान कर सकते हो। ओके थोड़ा सा अपना काम आप यहाँ से इजी कर सकते हो। उसके बाद देखिए हमने कैसे चेंज कर लिया है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब आपको फॉर्मूला एक बार लगाना है, फिर उस फॉर्मूले का लुकअप रेफरेंस का लुकअप रेफरेंस को फ्रीज करना है, केवल अल्फा अल्फा पार्ट को फ्रीज करना है, न्यूमेरिक पार्ट को फ्रीज नहीं करना। ओके इसलिए मैंने आई के आगे डॉलर लगाया है, तो हर में आई ही आपका वो होगा लुकअप रेफरेंस, देख रहे हो,
क्योंकि वो उससे खिसकेगा नहीं। देन जो आपका टेबल एरे होगा, जो मतलब जो जो डेटा है उस डेटा को हमें फ्रीज करना है। डेटा को फ्रीज करने से आपका एग्जैक्ट फिगर फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो ये दो तरीका आपने देखा, एक तो आप सिंगल सिंगल फॉर्मूला लगा के करोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा एक्सपेंस टाइम ज़्यादा जाएगा आपका। दूसरा क्या है कि आप एक बार फॉर्मूले को लगाओ, उसका लुकअप रेफरेंस में अल्फा वाले पार्ट को फ्रीज करो, देन उस फॉर्मूले को आगे की तरफ पेस्ट करोगे तो उससे थोड़ा सा टाइम बचेगा, बट उसमें क्या होगा, आपको बार बार कॉलम नंबर चेंज करना होगा। तो ये तरीका है। तो अब इन तरीकों से अगर आपको और बचना है, आपको और अपना टाइम सेव करना, आप चाहते हो एक साथ ही ये सारा काम हो जाए, बार बार मुझे ना करना पड़े, तो उसके लिए हम आपको एरे बताएंगे कि वी लुकअप में एरे फंक्शन का आप यूज कैसे करेंगे। एरे फंक्शन का यूज करने से आपका क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा, जो मैंने ये किया कम से कम मुझे 2 मिनट के आसपास लगा होगा, बट अगर आप एरे लगाते हो तो एक तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि मुझे कौन सा कॉलम नंबर डालना है, और दूसरा आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना सेव कर लेते हो, ठीक है। तो देखो हम एरे फंक्शन कैसे यूज करते हैं वी लुकअप में। वी लुकअप, देन हमने ये लुकअप रेफरेंस सेलेक्ट किया, उसके बाद हमारा ठीक है लुकअप वैल्यू क्या होगी, सॉरी टेबल एरे क्या होगा। टेबल एरे सेलेक्ट करने के बाद उसको हम फ्रीज करेंगे, देन हम यहाँ पे उसको एरे फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। तो एरे फार्मूला में कॉलम को रिकॉर्ड करने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट लेना होता है। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद हमें जो जो कॉलम जो जो फील्ड रिक्वायर्ड है उन उन कॉलम्स को हम मतलब उस कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। मीन्स जो कर्ली ब्रैकेट में जो हम पार्ट डाल रहे हैं वो कॉलम नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर है, तो हमें बार बार कॉलम नहीं डालना पड़ेगा, हमें केवल एक बार कॉलम डालना है और सारे कॉलम को एक बार में ही उसको रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे हमें कॉलम नंबर 2 चाहिए, हमने कॉलम नंबर 2 डाला, फिर क्वामा, हमने कॉलम नंबर 3 डाला, फिर क्वामा, हमने कॉलम नंबर 4 डाला, क्वामा, कॉलम नंबर 6, क्वामा, कॉलम नंबर 7। इससे क्या होगा कि आप भूलोगे नहीं। ये जैसे कि आपको मल्टीपल टाइम्स वी लुकअप यूज करना हो और उसमें कम से कम 30 से 40 कॉलम एक साथ दिए हो, वहाँ पे अगर आपको लगाना हो तो अगर आप सिंगल फॉर्मूले के थ्रू लगाते हो तो आप मिस कर जाओगे, कोई ना कोई इधर उधर हो ही जाएगा डेटा और सही एग्जैक्ट फाइल नहीं निकाल पाओगे। बट अगर आप उस बड़े फॉर्मूले में अगर आप वी लुकअप एरे का यूज करते हो तो आप कभी मिस नहीं करोगे और आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैंने कि वी लुकअप लगा लिया, फंक्शन लगा लिया, वी लुकअप लगाना है, लुकअप रेफरेंस आपको देना है, लुकअप रेफरेंस देने के बाद टेबल एरे को फ्रीज करना है, टेबल एरे को फ्रीज करने के बाद जो कॉलम इंडेक्स है उसको कर्ली ब्रैकेट में रखना है कि कौन कौन सा कॉलम आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, रखने के बाद 0 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, फिर इंटर प्रेस करो। उसके बाद क्या करो कि आप उसको फॉर्मूले को कॉपी करो। फॉर्मूले को कॉपी करने के बाद फॉर्मूले सही जहाँ तक आपको फॉर्मूला चाहिए वहाँ तक उस रो को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आप F2 प्रेस करोगे। F2 प्रेस करने के बाद आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर, फिर से सेलेक्ट करने के बाद आपको F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करके एंटर करोगे तो ये फॉर्मूला बाय डिफ़ॉल्ट सभी सेल में लग जाएगा। तो आपका टाइम कितना सेव हुआ, आपने एक ही कॉलम में लगाया फार्मूला और ये बाय डिफ़ॉल्ट सभी रो सेल में लग गया। तो देखो अगर मैं अगर यहाँ पे पेस्ट करूँगा डेटा तो ईजिली उसको आइडेंटिफाई करेगा और ये आपको 100% रिजल्ट देगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी यूज़ करो आप ये वाला फंक्शन यूज करो जो मैंने आपको अभी बताया। ओके, ये लास्ट फंक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेटा को आइडेंटिफाई करने में और ये काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम सेव करेगा। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, ये फंक्शन डेफिनेटली आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करने वाला है। सो यूज़ दिस फंक्शन इन वी लुकअप। ओके, इट्स अ वी लुकअप एरे। वी लुकअप में अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में दिखाएंगे। आप वी लुकअप मैच फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हो। ओके,
वी लुकअप विद मैथ फंक्शन, वी लुकअप विद कोल इंडेक्स, वी लुकअप विद रॉ फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप एक साथ मर्ज करके कई फॉर्मूले में, आप कई फॉर्मूले के साथ मर्ज करके भी वी लुकअप फंक्शन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बट मैं अभी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप वी लुकअप एरे के साथ लगाओ, जो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करेगा और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला है। ओके, तो आप इसको आगे के रेफरेंस करिए, आप इसको कंट्रोल डी भी अगर करोगे तो ये बाकी सेल में भी फॉर्मूला लगेगा, और आपको जितना भी डेटा चाहिए यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे अगर मैं पेस्ट कर दूँ तो उसको फाइंड आउट करके आपको करेक्ट रिजल्ट दे देगा। ओके, आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया। ये काफ़ी यूजफुल है, आप इसको अगेन से देख सकते हो फॉर्मूला मैंने क्या लगाया है और मैंने कैसे लगाया है, ये मेरे आप वीडियोस में जाके देख सकते हो। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं, हमने फॉर्मूला लगाया, वी लुकअप लगाया, और यहाँ पे एन एरर शो करता है। क्या शो करता है? एन एरर। थोड़ा देखने में ये थोड़ा हमें क्या लगता है, ऑड सा लगता है कि हमने फॉर्मूला लगाया बट लेकिन हमने अभी कोई यहाँ पे डेटा नहीं डाला, इसलिए इसको एरर मैसेज एरर में शो कर रहा है, एरर में प्रिंट कर रहा है उसको। तो हम चाहते हैं कि वो एरर में न प्रिंट करके उसको क्या करे, ब्लैंक शो करे, उस सेल को ब्लैंक शो करे, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ एरर फंक्शन का यूज करेंगे, और उसके बाद लास्ट में आके हम अगर दो इन्वर्टेड को हम एक साथ लगा देते हैं तो वो क्या करता है, उसको ब्लैंक में शो करता है। इस इन्वर्टेड को मतलब हमें उसको ब्लैंक में शो कराना है तो हम उसको इस तरह कर लेंगे। तो देखो यहाँ से उसने क्या किया, एरर एरर वाले फंक्शन को हटा के उसने क्या कर दिया, उसको ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, जैसे आपका ये एनए में शो कर रहा है तो मैंने लिखा इफ एरर टाइप करने के बाद मैं लास्ट में आता हूँ, फार्मूले के लास्ट में आने के बाद हमने दो कोट लगा दिए तो उसको उसने क्या किया, ब्लैंक में शो किया। अगर आप चाहते हो कि दो कोट ब्लैंक में रख के कुछ और वहाँ पे टाइप कराना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो, कुछ और टाइप कराने के लिए डेटा नॉट एग्जिस्ट, डेटा नॉट एग्जिस्ट करके भी आप टाइप कर सकते हो। क्या हुआ, दिस सॉरी समथिंग इज रॉन्ग, डेटा नॉट एग्जिस्ट वो प्रिंट करेगा। तो आप जो चाहो वो इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो, आपको जो चाहिए, जैसे कि कोई रिजल्ट आप प्रिंट आउट कर रहे हो उसका मार्क्स नहीं आया तो उसमें आप ये डाल सकते हो, या स्टेटस नॉट अपडेट है तो उस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हो कि डेटा को दिखाने के लिए आप यहाँ पर डाल सकते हो नॉट अपडेट, नॉट अपडेट आपने उस डबल कोट के अंदर, आपने डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर आपने नॉट अपडेट डाल दिया इफ एरर के साथ तो उसको नॉट अपडेट में प्रिंट करेगा। ओके, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगेन मैं देखो छोड़ो, ये चीज़ें हैं। तो आप चाहो तो डेटा को आप एनए में रख सकते हो, अगर आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, आप चाहते हो कि मैं फार्मूला लगाऊँ बट वो ब्लैंक शो करे, एरर जो देखने में थोड़ा ऑड सा लग रहा है तो आप इफ एरर का यूज़ करके इसको हटा सकते हो। बट ये 2007 से लेके 2016 तक में काम करेगा, इसके नीचे के वर्जन में इफ एरर काम नहीं करेगा। जैसे 2003 अगर आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे इफ एरर का फंक्शन लगाओगे तो वो उसको नहीं लेगा। ओके, अगर आप ये मेरे वीडियोस को देखिए, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा है। अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आके और मेरे फेसबुक पे आप लिख सकते हो, जिसका मैं सॉल्यूशन दूंगा। इफ़ अगर एनी अदर और कोई क्वेरीज है तो आप मुझे मेरे कांटेक्ट नंबर पे भी संपर्क कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 8587892700। मेरा नाम नीरज झा।
गुड नाइट दोस्तों, हैव अ नाइस डे।